हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरीवन ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल नेम्ड एज क्रिस्टल ऑल। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है क्रिस्टल ऑल। और आप जानते हैं जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम आपके साथ क्वेश्चंस की डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर। और जो सिलेबस आपका जनरल टेस्ट का सीवीटी में मेंशनड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, हम उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। हम साइंस डोमेन में जो इन्वेंशंस इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं हमारे इस जर्नी को और इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका पहला क्वेश्चन है, 2021 में प्रजर्वरेंस रोवर सक्सेसफुली लैंडेड ऑन विच प्लैनेट कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टू सर्च फॉर साइंस ऑफ पास्ट माइक्रोबियल लाइफ। प्रिजर्वरेंस रोवर जो है वो किस प्लैनेट पर लैंड हुआ था, सवाल आपका ये है। और इसका प्राइमरी गोल जो था वो था एंशियंट लाइफ के साइंस को ढूंढना और सैंपल्स को इकट्ठा करना, रॉक को इकट्ठा करना, रेगोलिथ्स को, रेगोलिथ्स मतलब ब्रोकन रॉक्स और सॉइल को, और उन्हें पृथ्वी तक लौटा कर लाना। तो बेसिकली आपका ये जो प्रिजर्वरेंस रोवर था ये कहाँ पर लैंड हुआ था, 2021 का है ये, तो ये कहाँ पर लैंड हुआ था, ये मार्स पर लैंड हुआ था। सो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपने देखा हमारे पास लेटेस्ट में ही जो नई नई चीज़ें जो लैंडिंग के बारे में पूछी जा रही हैं वो ज़्यादा ज़्यादा पेपरों में पूछी गई हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस के ऊपर खासकर ध्यान रखें कि कौन सा रोवर गया था, कहाँ पर गया था, किस प्लैनेट पर गया था। देन व्हाट ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी डिड द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप यूज टू कैप्चर फर्स्ट एवर इमेज ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल को अभी तक हम कैसे इमेजिन करते थे कि अगर कोई भी स्टार्स गोल 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 रोटेशनल मोशन कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके बीच में कहीं ना कहीं ब्लैक होल होगा, तो इस तरीके से अभी तक उसको मेंशन किया जाता था। पर अब हमारे पास 2019 में उसकी एक और बेहतर ब्लैक होल की इमेज निकाली गई, बहुत बड़ा समझिए जो है डिस्कवरी थी। और इसमें कौन सा मेथड यूज हुआ है, तो वहां पर इस्तेमाल हुआ है रेडियो इंटरफेरोमेट्री। और यहां पर अगर मैं आपको और बेहतर तरीके से बताऊं तो उसे कहते हैं वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री। ये मेथड इस्तेमाल हुआ है जिसमें हम क्या करते हैं, ढेर सारे अलग अलग सिग्नल्स को अलग अलग टेलीस्कोप से इकट्ठा करते हैं और उसके बाद एक पृथ्वी के साइज का टेलीस्कोप बनाकर हम किसी चीज को की इमेज को कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। तो दरअसल ये वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री मेथड से, रेडियो इंटरफेरोमेट्री मेथड से क्या हुआ, हम लोगों ने ब्लैक होल की 2019 में एक इमेज, फर्स्ट एवर इमेज कैप्चर की थी। बहुत बढ़िया, आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन 2020 इमैनुअल कारपेंटियर एंड जेनिफर डोडा वन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में उन्हें किस लिए मिला था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपरों में पूछा हुआ है, तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। दैट इज CRISPR-CAS9। बेसिकली ये किस चीज के लिए था, दरअसल ये जीन एडिटिंग के लिए था। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था जीन एडिटिंग में, तो जीन की एडिटिंग के लिए इन्होंने जो डिस्कवरी की उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया और इसके लिए इनका नाम काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लैंडेड इट्स रोवर नेम्ड ज़ुहोरोंग ऑन मार्स इन मे 2021। थोड़ा सा नाम से ही आप गेस लगा सकते हैं इस प्रकार का नाम कहां पर रखा जा सकता है, तो दैट इज यस CNSA, दैट इज चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और बेसिकली ये इनके पार्ट, इनका एक मिशन चल रहा है, तियानवेन वन इनका मिशन चल रहा है। तो ये उसी मिशन के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था, इस रोवर को भेजा था कहाँ पर, मार्स पर भेजा था। कब भेजा था, 2021 में, मई 2021 में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द mRNA टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कोविड-19 वैक्सीन्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट,
कोविड-19 वैक्सीन्स में जो एमआरएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है इज बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ विच टू साइंटिस्ट, कौन से दो साइंटिस्ट की रिसर्च के ऊपर ये ज्यादा बेस्ड थी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, दैट इज बी कैटलिन कैरिको कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वेस्टमैन। सो दिस क्वेश्चन अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आपने देखा होगा पी फाइजर बायो एंड टेक एंड मॉडर्ना, ये जितनी भी जो है वैक्सीन्स बनाई जा रही थी उनमें इनके द्वारा दिए गए रिसर्च का काफी ज्यादा रोल रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेलीस्कोप लॉन्च्ड बाय नासा इन दिसंबर 2021 टू स्टडी द यूनिवर्स अर्लीस्ट गैलेक्सी स्टार्स एंड प्लैनेट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, दैट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, दैट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसको जो है नासा ने लॉन्च किया था बेसिकली किसके लिए, ताकि यूनिवर्स की जो है जल्दी से जल्दी आसपास जो मौजूद गैलेक्सीज हों, स्टार्स हों और प्लैनेट्स हों उनको आसानी से स्टडी किया जा सके। दैट वॉज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इन 2018 द रिसर्चर्स अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी कॉल्ड इंटरस्टीटियम। आइए एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक नए ऑर्गन की डिस्कवरी की 2018 में, और व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गन इट इज, ये किस प्रकार का ऑर्गन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोच विचार कर बताएं ये क्या चीज है। दरअसल ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, दरअसल एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो डी यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा, और ये एक नेटवर्क ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड फिल्ड स्पेशज है, और ये जो है टिश्यूज के जो है सपोर्टिव सिस्टम का काम करता है और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन के तौर पर काम करता है, और इसका काफी ज्यादा डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर होता है, इसका काफी यूनिक फीचर होता है, और ये कनेक्टिव टिश्यूज बॉडी में काम कर जो चीजों को आपस में कनेक्ट करने के बेसिकली काम आती हैं। जैसे हमारी बॉडी में दो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज हैं आपके पास, एक है आपके पास प्लाज्मा और दूसरा है आपके पास लिम्फ। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आप ब्लड को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच कंपनी स्पेस क्राफ्ट क्रू ड्रैगन कैरीड एस्ट्रोनॉट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2020 मेकिंग द फर्स्ट क्रूड ऑर्बिटल लॉन्च्ड बाय अ प्राइवेट कंपनी। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2020 में भेजा गया एस्ट्रोनॉट्स को, तो किस कंपनी ने ऐसा करके दिखाया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया होना भी चाहिए क्योंकि इनका नाम काफी ज्यादा मीडिया में रहता ही रहता है। एलॉन मस्क की जो कंपनी है दैट इज स्पेस एक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस एक्स कंपनी, ये एक प्राइवेट कंपनी है और इसने क्या किया था एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2021 में 2020 में उन्हें भेजा था। ठीक है आइए हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेक थ्रू लिसन इनिशिएटिव एम्ड एट रिसर्चिंग फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इंटेलिजेंस इज बैक्ड बाय विच टेक एंटरप्रेन्योर। कौन से ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने ऐसा एक इनिशिएटिव उठाया जिसका रिसर्च करना है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, माने पृथ्वी पर कुछ अलग ही प्रकार की बुद्धिमत्ता को ढूंढना। सो बेसिकली ये जो यहाँ पर कौन से ऐसे जो एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने इसके बारे में इनिशिएटिव लिया, तो उनका नाम है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज यूरी मिलनर, दैट इज यूरी मिलनर, यूरी मिलनर जी ने। ठीक है और इन्होंने जो है काफी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया और अलग अलग सिग्नल्स को ढूंढने का प्रयास किया ताकि वो जो है और ज्यादा टेरेस्ट्रियल जो है इंटेलिजेंस को पहचान सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन 2019 साइंटिस्ट अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू ह्यूमन स्पीशीज नेम्ड होमो लुजोनेनेसिस। ओके होमो लुजोनेसिस
इन विच कंट्री वर दी फॉसिल्स फाउंड, इनके फॉसिल्स किस कंट्री में देखने को मिले थे? तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज ये फिलीपींस में मिले थे। कहाँ पर मिले थे? फिलीपींस में मिले थे। फॉसिल्स ऑफ होमो लुजोनेंसिस, ये कहाँ पर मिले थे? कलाओ केव में मिले थे, कलाओ केव में मिले थे और फिलीपींस में मिले थे। ठीक है, ओके। ये क्या दिखा रहा था कि बेसिकली कुछ ह्यूमंस की एक स्पेशल जो है प्रजाति वहां पर एग्जिस्ट करती थी, उनके कुछ फॉसिल्स मिले हैं कलाओ केव में, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड एज अ टाइम क्रिस्टल वॉज क्रिएटेड इन लैबोरेटरी। आप देखें, एक नया ही स्टेट ऑफ मैटर जिसे हम टाइम क्रिस्टल कह रहे हैं, इसको लैबोरेटरी में बनाया गया है 2021 में। तो ये चीज जरा ध्यान समझें, ये आपका क्या कहलाएगा? आपके लिए ये चीज जैसे कि बता दिया गया डिस्क्राइब्ड एज टाइम क्रिस्टल, तो बेसिकली टाइम क्रिस्टल ही था वो, टाइम क्रिस्टल ही था वो, जी हाँ। ओके, सो दिस वॉज टाइम क्रिस्टल, एक नया स्टेट ऑफ मैटर था। और ये क्या करता है? वो समय को रिपीट करने के लिए बेसिकली उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो समय के अनुसार अपने अपनी प्रॉपर्टीज को बार बार रिपीट करता रहता है, इसीलिए इसका नाम टाइम क्रिस्टल रखा गया है। समय के रिपीटेशन के हिसाब से, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टीज को, समय जिस तरीके से एक पीरियोडिक समय में आगे बढ़ता रहता है, पीरियोडिक समय में अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता रहता है, कुछ समय बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करने की वजह से टाइम क्रिस्टल के नाम से वो जाना जाता है। एक नया स्टेट ऑफ मैटर है जिसे लैब में बनाया गया है। कब बनाया गया है? 2021 में बनाया गया है। नेक्स्ट, इन 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वॉज अवॉर्डेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ वॉट एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना इन्वॉल्विंग ब्लैक होल्स। सो अगेन, ब्लैक होल के ऊपर सवाल है, और आप जानते हैं ब्लैक होल के ऊपर सवाल आना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो अगेन, यहाँ पर आप देखेंगे 2021 में नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, वॉज अवॉर्डेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ वॉट एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना। कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना? दैट इज योर ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जो है डिस्कवरी करने की वजह से जो है फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो प्राइज मिला है नोबेल प्राइज फिजिक्स में, ये किस साइंटिस्ट को मिला है? आप चैट बॉक्स में जरूर बताएं। आप रिसर्च कर सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं। देखिए, गूगल से सर्च करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को कोई चीज आपने नकल कर ली। देखिए, बेसिकली ये चीज क्या हुआ, आपने रिसर्च की, आपको उसका नाम पता चला, आपने चैट बॉक्स में डाला, इससे कहीं ना कहीं वो चीज आपके दिमाग में टिकेगी, आपको वो चीज लंबे समय तक याद रहेगी और इससे आपका ही फायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, इन 2021 रिसर्चर्स डेवलप्ड अ न्यू वैक्सीन प्लेटफॉर्म यूजिंग वायरस लाइक पार्टिकल वीएलपी टेक्नोलॉजी फॉर व्हाट इन्फेक्शुअस डिजीज। किस बीमारी के लिए वायरस लाइक पार्टिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा था उस समय। जीका वायरस के अगेंस्ट जो है नई वैक्सीन को डेवलप किया गया है। आपको पता होगा वायरसेस आर एक्सेप्शंस टू द सेल थियरी, इनके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्चेस है नहीं, और इसीलिए इनके इलाज के लिए प्रिवेंशन ही इलाज है इनके लिए, आप समझें इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे आते हैं। देन द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सुपर मैसिव ब्लैक होल कैप्चर्ड बाय द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप इज लोकेटेड इन विच सेंटर ऑफ विच गैलेक्सी। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। एंड देन ये किस गैलेक्सी के सेंटर पर रखा हुआ है? तो दैट इज M87। M87 इज द नेम ऑफ दैट गैलेक्सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल मूव ऑन। ओके, इन 2019 रिसर्चर्स अचीव्ड क्वांटम सुप्रीमेसी यूजिंग अ क्वांटम कंप्यूटर डेवलप्ड बाय विच टेक कंपनी। कौन सी ऐसी टेक कंपनी थी जिससे जो है क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव की रिसर्चर्स ने क्वांटम कंप्यूटर की मदद से? तो वो टेक कंपनी कौन सी थी? इस टेक कंपनी का नाम काफी ज्यादा मार्केट में रहता है और हमेशा ये कुछ ना कुछ नए प्रकार की चीजों को डेवलप करने का प्रयास करते ही रहते हैं। सो दैट इज योर गूगल, और यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा गूगल। ओके, हु इज द लेटेस्ट सीईओ ऑफ गूगल? आप चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि ये ऐसी चीजें हैं जो
जो न्यूज में रहती हैं और कई बार पेपरों में आपके फटाक से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच मटेरियल ऑफन रेफर्ड टू एज दी वंडर मटेरियल, कौन से मटेरियल को वंडर मटेरियल कहा जाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन हेक्सागोनल लैटिस, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड दैट इज ग्राफीन, दैट इज ग्राफीन। तो ये आपके पास, इनके पास एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ और कंडक्टिविटी देखने को मिल जाएगी और ये इनकी ग्राफीन की खास पहचान है। आइए आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, इन 2020 द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन वाज अवार्डेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, एंड हु वर द लॉरियट्स, किनको मिला है ये नोबेल प्राइज। सो आइए देखते हैं 2020 में क्वेश्चन नंबर 17 में, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने अगर आप इन प्रकार की न्यूज़ से अगर आप अपने आप को रूबरू रखते हैं, और ध्यान रखिएगा ये जो नोबेल प्राइज वाले क्वेश्चन हैं ये आपके पेपरों में कई बार पूछे गए हैं। और माइकल हंगटन, हार्वे जे ऑल्टर एंड चार्ल्स एमराइस, चार्ल्स एमराइस। सो दैट इज योर 17th क्वेश्चन और इसका आंसर आपकी नजरों के सामने। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन 2020 कंफर्म्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम क्रिस्टल्स, टाइम क्रिस्टल्स की एग्जिस्टेंस का कंफर्मेशन किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें मिला था, दैट इज योर अल्फा एक्सपेरिमेंट, दैट इज योर अल्फा एक्सपेरिमेंट। ओके नेक्स्ट, देन द CRISPR टेक्नोलॉजी वॉज अडेप्टेड टू क्रिएट अ ग्राउंड ब्रेकिंग जीन एडिटिंग टूल नेम्ड प्राइम एडिटिंग इन 2019, हु डेवलप्ड इट, किसने इसकी डेवलपिंग की, कौन था इस कौन साइंटिस्ट थे इसके पीछे। सो योर आंसर इज डेविड लियू, द आंसर इज डेविड लियू, और प्राइम एडिटिंग उसको कहा गया था इन्होंने, और ये बहुत ही बेहतरीन जीन एडिटिंग टूल था और ये डेविड लियू और उनकी टीम ने मिलकर इसको डेवलप किया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इन 2018 द रिसर्चर्स अनाउंस द सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ फर्स्ट जीन एडिटेड बेबीज यूजिंग CRISPR टेक्नोलॉजी इन विच कंट्री डिड दिस कॉन्ट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट टेक प्लेस, पहला जीन एडिटेड बेबी जो कि CRISPR टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया था, तो ये जो कौन सी ऐसी कंट्री थी जहां पर ये कॉन्ट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज चाइना। यस, सो दिस चाइना इज स्टिल बिजी इन डूइंग जीन एडिटिंग। सो आप सोच सकते हैं इसलिए यहां पर टेक्नोलॉजी हमारे से थोड़ा सा आगे हमेशा मिलते हैं ये लोग। ऑल्दो आई होप आपको इस स्लाइड से इन इंफॉर्मेशन से काफी बेनिफिट हुआ होगा, और जो भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल है आप उनको चैट बॉक्स में जवाब जरूर दिया करें। आपके द्वारा दिए गए कोई भी सजेशंस आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, और आपके पास हमारा जो ट्विटर हैंडल है, आपके पास जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर के जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पर रेगुलर क्विज होते हैं जिससे आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, पर डे उसमें क्वेश्चंस पढ़ते हैं। और बिल्कुल आप अगर हमारा एक फ्री बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर जरूर हमसे संपर्क करें, और आपको फ्री बैच में प्रिपरेशन करके आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन दिलवाएगा क्रिस्टल ऑल। सो गेट रेडी एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जहाँ से आप हमसे संपर्क करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इन्फॉर्मेशन नॉलेज को सबके पास पहुंचाएं। एंड अगेन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय। मैं हूं आपका अपना साइंस गुरु, थैंक यू।